किसी महान चिंतक ने क्या खूब कहा है कि बोलने लायक कोई बात हो तभी बोलो, वरना मौन ही बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट मोटिवेशनल स्पीकर सोहल कुमार सोनी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही सुंदर बात मैं कहूंगा। दोस्तों ये वीडियो आप 2024 में देख रहे हैं और जाहिर सी बात है 3000 में भी ये वीडियो अगर आप देखेंगे, अगर 3500 में ये वीडियो देखेंगे, सन 3500 में देखेंगे, सन 4000 में भी वीडियो देखेंगे, तो इस वीडियो का कोई भी मोल बदलेगा नहीं, कोई भी सिद्धांत बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये जो भी वीडियो आपको मिलते हैं हम जैसे लोगों के माध्यम से, वो हम लोगों का कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है, जो आप लोगों के सामने हम लोग शेयर करते हैं कि आपकी ज़िंदगी और बेहतर होती जाए। क्योंकि एक समय जब आप 20 साल, 19 साल, 18 साल जब एक एज में होते हैं आप, तो उस समय हमसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं वो हम लोग शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो बहुत ही पुरानी कहावत है कि तीर कमान से, शरीर प्राण से और जुबान से निकली हुई शब्द जो हैं वो वापस नहीं आते हैं। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, जिन भी इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है झगड़े भी होते हैं, और साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन, चाहे कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, भाई बहन का हो, माँ बेटे का हो, या कोई भी रिलेशन हो, हम उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, और जाहिर सी बात है उस लगाव के कारण कभी कभी जाने अनजाने जो आप नहीं भी चाहते हैं उसकी वजह से आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले को बहुत हर्ट फील कराते हैं। और जाहिर सी बात है ये शब्दों में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो पूरे रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है वो चीज़ें। तो दोस्तों जब भी कोई शब्द बोलें, बहुत सोच समझ के बोलें, फिल्टर करके बोलें, अपने शब्दों पे काबू रखें, क्योंकि जब वो शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं, आप चाह के भी, कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि आप चाह के भी उस शब्द को वापस नहीं ले सकते हैं, जबकि आप लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं ले सकते हैं, और आपसे कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करिए, ये ना सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत दूर तक ले जाएगी, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आप अपने परिवार के आंखों के तारे होंगे। और सबसे पहला सिद्धांत हर इंसान का यही होता है कि पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो, हमारा परिवार हमको माने, चाहे कुछ भी हो, हमारी कंपनी, हमारी संस्था हमको माने, अगर हम अपने शब्दों पे कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम अपनी शब्दों को चुन के बोलते हैं, अगर हम अपनी शब्दों पे कमांड कर लेते हैं, मन और शब्द दोनों एक होते हैं, तो आपकी लाइफ स्वर्ग से भी सुंदर होगी। किसी स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, धरती पे ही आपके लिए स्वर्ग होगा। बस अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करिए। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि जो शब्द आपके मुँह से निकल जाते हैं वो कभी आपके मुँह में वापस नहीं आते हैं, और वो शब्द एज इट इज़ इस पूरी गैलेक्सी में उसी तरह से बनी होती है। तो जब भी चेतना का लेवल आप में आए, तब उस वक्त से लेके कभी भी अपने शब्दों के साथ कुछ ऐसा प्रयोग मत करिए कि जो सामने वाले को हर्ट कर दे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को प्यार चाहिए, चाहे जो भी जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, सुबह से शाम तक सभी लोग बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि मुझे भले ही दो पैसा कम मिले लेकिन कोई मुझे अच्छे तरीके से बात करे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगली बार अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करेंगे और आपकी लाइफ जितनी अच्छी है उससे अच्छी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, आपके मित्र का मानना है। तो मैं आपका दोस्त सोहल कुमार सोनी यही उम्मीद करूंगा कि आपकी लाइफ बहुत ही तरक्की वाली हो, आपकी फैमिली वैल्यू में जितनी है आपकी, उससे ज़्यादा आपकी फैमिली वैल्यू में लाइफ में आगे बढ़ें और आपका परिवार सुखमय तरीके से ज़िंदगी बिताए। इसी सोच के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर कोई बात आपके दिल को थोड़ा सा भी टच की हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप बताइए इस वीडियो के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाइए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।